नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन ऐप का शुभारंभ किया और ग्राम सभाओं के लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने पानी की महत्व समझाते हुए पानी को प्रसाद की तरह इस्तेमाल करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। पीएम ने इस दौरान कहा, यह समय महात्मा गांधी यानी बापू के सपने को साकार करने का है। जल संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पानी की एक एक बूंद का महत्व होता है और इसे सबको समझना चाहिए। पीएम ने लोगों से अपील की है कि पानी को बर्बाद ना करें। पीएम ने जल जीवन मिशन ऐप को भी लॉन्च किया और कहा, ऐप से लोगों को मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। पीएम ने इस दौरान विपक्ष को भी घेरा। पीएम ने कहा, लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वालों ने गरीबी नहीं देखी थी। पीएम मोदी ने कहा कि पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी के हृदय में भारत के गांव बसते थे। ऐसे में आज के दिन देश भर के लाखों गांव के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं, यह काफी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह विकेंद्रीकरण का भी बहुत बड़ा आंदोलन है। इसका आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कुछ लोगों के मन में गांव का नाम लेते ही ऐसी तस्वीरें उभर जाती हैं जिसमें गांव की महिलाएं और बच्चे पानी लाने के लिए मीलों दूर चलकर जा रहे हैं। मैं ऐसे राज्य से हूं जहां मैंने ज्यादातर सूखे की स्थिति देखी है। मैं जानता हूं कि पानी की एक एक बूंद का महत्व कितना होता है। इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मेरी प्राथमिकता लोगों तक जल पहुंचाने के साथ साथ जल संरक्षण भी रहा। पीएम मोदी ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश के करीब 80 जिलों के 1.25 लाख गांव के हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बीते 7 दशकों का काम देश ने 2 साल में कर दिखा है। आजादी से लेकर पिछले 2 सालों तक सिर्फ 3 करोड़ लोगों के घरों में नल से पानी पहुंचता था, जबकि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी कनेक्शन से जोड़ा गया है। मैं देश के हर नागरिक से कहूंगा कि पानी बचाने का प्रयास करें, पानी को प्रसाद की तरह इस्तेमाल करें। बता दें कि जल जीवन मिशन की घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी, जिसका उद्देश्य हर परिवार को स्वच्छ नल जल उपलब्ध कराना है। आंकड़ों की बात करें तो 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास उस वक्त नल से जल पहुंचता था, जबकि आज 8.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल की आपूर्ति होती है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।